फोटो गैलरी लॉक एप्लीकेशन का यूज़ आप किसी से अपने फोटो को छिपाने या फिर उसे सेव करने के लिए करते हैं। और जब आप किसी फोटो को फोटो गैलरी लॉक में रखते हैं, उस समय आपका जो गैलरी से ओरिजिनल फोटो होता है उसे आप वहां से डिलीट कर देते हैं, तो वो फोटो सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेशन में आ जाता है। बहुत बार लोगों के साथ होता है कि जब वो फोन का स्टोरेज खाली करते हैं तब फोटो गैलरी लॉक को अनइंस्टॉल कर देते हैं या फिर किसी से गलती से अनइंस्टॉल हो जाता है, तो उस समय आपके ऐप के साथ आपका जो डाटा है, जो फोटो है, जो वीडियो है, वो भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोटो गैलरी लॉक से कोई भी वीडियो या फोटो ऐप के साथ डिलीट हो गया है तो आप उसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है रौनक और आपका अपने चैनल से सजेशन में स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन में। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। आपको गैलरी लॉक दिखा देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन है। ये वो एप्लीकेशन है। अगर आपका कोई और भी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपका जो डाटा है वो डिलीट हो गया है तो आप उसे भी रिकवर कर सकते हैं। तो मेरा इस ऐप के थ्रू जो है डाटा इस ऐप के साथ डिलीट हो गया था, तो ये एप्लीकेशन मैंने अभी डाउनलोड किया जस्ट आपको दिखाने के लिए। अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करके ये तो आपने सेटअप कर ही रखा होगा। तो यहाँ पर अभी जीरो फोटो है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट फोटो पे क्लिक करके एक फोटो ले लेता हूँ और इसे कर देता हूँ लॉक। और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ डन। अभी पूछ रहा है कि क्या इसका जो ओरिजिनल फोटो है आप इसे गैलरी में रखना चाहते हैं, तो आप यस ही करेंगे क्योंकि जब वो फोटो यहाँ पे है तो गैलरी में क्यों रहेगा, आप जस्ट उसे छिपा रहे हैं तो आप यस पे ही क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फोटो को यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो अब ये जो फोटो है ये यहाँ पे गैलरी से डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, देखिए मैं अभी आपके सामने इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो ये ऐप जो है ये मेरा फ़ोन से अनइंस्टॉल हो चुका है। तो अभी तक तो मैंने आपका प्रॉब्लम बताया कि आपका ये प्रॉब्लम है, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में और आपको सर्च करना है डंपस्टर। ये सर्च करने के बाद ये जो एप्लीकेशन आ रहा है आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है, आपको इसे ओपन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको कट कर देना है। उसके बाद ये जो ऑटो स्कैन होने लगेगा और जो भी आपका डिलीट फोटो या फिर वीडियो होगा आपके फ़ोन से वो यहाँ पे रिकवर होने लग जाएगा। तो ये मेरा स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपका अगर वीडियो है तो ये सेक्शन में दिख जाएगा और अगर आपका इमेज है तो फिर यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन में दिख जाएगा। यहाँ पे 801 फोटो मेरा जो है वो रिकवर हो पाया है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका जो 100% फोटो है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन हाँ इसे कुछ फोटो रिकवर हो जाएगा और कुछ फोटो नहीं भी हो सकता है। तो जैसे मैंने अभी जस्ट डिलीट किया था वो यहाँ पे मेरा फोटो आ चुका है। ये देखिए एक लैपटॉप यहाँ पर आ चुका है मेरा, ये फोटो अभी मैंने डिलीट किया था। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाद और बाकी का यहाँ पे फोटो आ चुका है। तो यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है, कुछ फोटो आपका ऊपर नीचे हो सकता है। तो जल्दी से इस मेथड को ट्राई करिए और जितना फोटो आपका रिकवर हो पा रहा है उसे आप रिकवर करिए। तो आई होप कि वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।